गर्मियों के मौसम में कन्नौज में एक खास किस्म का इत्र सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है। ये इत्र लगाने के साथ साथ खाने की चीजों में भी प्रयोग होता है। इस इत्र की खासियत ये होती है कि ये शरीर में ताजगी ठंडक बनाए रखता है। वहीं कुछ खाद्य पदार्थों में मिलने के बाद उसमें सुगंध के साथ साथ ठंडक भी आ जाती है, जो पेट के लिए लाभदायक होती है। कन्नौज में बनने वाला केवड़ा का इत्र अपने आप में बहुत खास है, जिसकी डिमांड गर्मियों में सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। तो वहीं इस इत्र को भी बनाने के लिए कन्नौज में हजारों वर्ष पुरानी विधि डेग भपका का ही प्रयोग किया जाता है। आज भी लोग उसी पद्धति से इत्र तैयार करते हैं। इस इत्र को कुछ व्यापारी कन्नौज में तैयार करते हैं तो कुछ उड़ीसा में तैयार करते हैं। नहीं, कन्नौज आपको पहले तो ये बता दें, केवड़ा कन्नौज में नहीं होता है। हम लोग जरूर केवड़े का काम करते हैं, क्योंकि हमारी इत्र इंडस्ट्रीज में केवड़ा सबसे महत्वपूर्ण इत्र है, आप ऐसे मानिए। और इसका कई जगहों पर यूज होता है बल्क क्वालिटी में। जैसे आप जैसे खाने के योग्य जो भी चीजें हैं, जैसे मिठाई हो गई, कई तरह के शरबत बनते हैं, जैसे हम लोग गुलाब जल का यूज करते हैं लस्सी में या ठंडाई में, तो बहुत से लोगों को केवड़ा जल का फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है। आप जहां जहां गुलाब जल यूज होता है वहां उन सब जगहों पर केवड़ा जल भी यूज होता है। और ये जो केवड़ा है, ये इसका जो फूल होता है वो उड़ीसा में एक जगह है, गंजाम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं उसको। वहां पर हम सभी कन्नौज वालों के कारखाने बने हुए हैं। तो अब जैसे ये चल रहा है जो समय, इस समय से फूल स्टार्ट हो जाता है अप्रैल लास्ट से, और ये मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक चलता है। लगभग सितंबर अक्टूबर तक ये फूल चलता है। उसके बाद फिर ये एक दो महीने का ब्रेक लेके फिर एक इसकी फसल होती है दिसंबर जनवरी में, और फिर उसके बाद बंद हो जाता है, फिर ये अप्रैल में चालू होता है। तो वहाँ पर हम सब लोगों के पूरे जैसा जैसा कन्नौज में ये सेटअप लगा हुआ है, ऐसा ही हम लोगों का पूरा सेटअप उड़ीसा में भी लगा हुआ है। वहाँ पर ऐसी ही डेगें, जैसी आपने हम लोगों के कन्नौज में देखी होंगी, ऐसी डेगें लगी हुई। अब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो किसान लोग हैं जो फूल की खेती करते हैं वो लोग, और जो जो छोटे छोटे किसानों से फूल इकट्ठा करके लाते हैं वो व्यापारी लोग, जैसे आड़त वाले कहते हैं, तो ये लोग फूल कलेक्ट करके हम लोगों की भट्टियों पर लाते हैं। फिर इसके बाद हम वहाँ पर इसका डिस्टिलेशन करके इसका इत्र बनाते हैं, इसका जल बनाते हैं, जो जो हम लोगों के पास जिन जिन चीज़ों की बिक्री होती है हम उसको उसमें वैसे वैसे डिवाइड करते करके बनाते रहते हैं। अब ये उस पर निर्धारित होता है कि हम लोग कितना, मतलब जैसे जल हो गया केवड़ा जल, अब उसमें क्या होता है, हम लोग 500 फूल का ड्रम बना रहे हैं कि 200 फूल का ड्रम बना रहे हैं या 1000 फूल का ड्रम बना रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग डेग पे डेगों में फूल डालते हैं। हम लोगों के पास फूल तो जब सीजन होता है तो उस दिन एक दिन में करीब 50,000, 1,00,000, मतलब 70,000, 80,000 इतना फूल आता है। और वैसे नॉर्मली जब सीजन, मतलब सीजन में कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जब फूल की बहुत ज्यादा उपलब्धता हो जाती है, फूल बहुत ज्यादा पेड़ों से निकलता है, ये एक पूरे सीजन में एक 10 से 15 दिन का समय ऐसा होता है जिसको हम लोग भरदली कहते हैं, तो इसमें ऐसा फूल आता है। बाद बाकी अपना 20,000-25,000 फूल ये उस समय आता रहता है। तो फिर हम उसी हिसाब से डिवाइड करके डेगों में से 500 फूल भी भर लेते हैं डेगों में, 800 फूल भी भर लेते हैं, 1000 फूल की भी डेग भरते हैं, 1200 फूल की भी भर लेते हैं, कि कितना फूल हमारे पास आ रहा है इस हिसाब से हम लोग मैनेज करते हैं। केवड़े का रेट भी, जैसे केवड़े का इस समय फूल का रेट चल रहा है 20 रुपये, और इसके ऊपर जो उसका डिस्टिलेशन का खर्चा आता है वो लगभग 3-4 रुपये प्रति फूल का, जो गलाई कहते हैं जिसको, जिसको मतलब फूल डेग में डालने के बाद लेबर और डेग में जो आग लगती है, मतलब जो उसको गर्म करने के लिए ईंधन जलाते हैं और पानी और ये सब मिला के लगभग 3-4 रुपये का वो खर्चा आ जाता है। तो एक फूल की कास्ट लगभग 23-24 रुपये के करीब आ जाती है मैक्सिमम। तो जैसे केवड़ा की रूह है वो इस समय 12,00,000 रुपए बिक रही है,
और केवड़ा का जो इत्र होता है वो फूल पे डिपेंड करता है कि कितना फूल हम लोगों ने एक किलो जैसे ऑयल पे, एक किलो ऑयल है उसके ऊपर हम लोगों ने कितना फूल लगाया है, तो इस पे डिपेंड करेगा कि जैसे मान लो 200 फूल लगाया है तो वो लगभग 5000 रुपए का पड़ेगा, हाँ इत्र 5000 रुपए किलो पड़ेगा। और अगर भाई अगर हमने 1000 फूल का इत्र बनाया तो वो हमको पड़ेगा जाके करीब 24-25 हजार रुपए का। तो ये है, अब ये हम लोगों के डिमांड के ऊपर होता है कि इसे हमारे व्यापारी कितने फूल का माल हमसे मांगते हैं। कोई कोई मांगता है हमें 500 फूल का माल चाहिए, कोई 200 फूल का माल लेता है, 200 फूल किलो का, 500 फूल किलो का, 800 फूल, 1000 फूल, तो इस हिसाब से हम लोगों के रेट घटते बढ़ते हैं।